खजुराहो सीट पर भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा को टक्कर देने के लिए इंडी गठबंधन ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को समर्थन दिया है। यह सीट गठबंधन के खाते में गई थी, जहां से सपा प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडी गठबंधन की ओर से सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी मीरा यादव का नामांकन रद्द होने से प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। सपा व कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए लोकतंत्र की हत्या की कोशिश बताया है। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि आरडी प्रजापति जब भिंड में कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे, तब वह किसी सरकार के दबाव में नहीं आए और उन्होंने जिला पंचायत का निष्पक्ष चुनाव कराया था। ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है और वह निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ेंगे, हम सभी उनके साथ हैं। खजुराहो में समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी और पिछड़े वर्ग की महिला के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है कि महिला का एक नामांकन रद्द कराया है, इसी का जवाब है कि आरबी प्रजापति जी पे भी इन्होंने दबाव बनाया था, तरह तरह के प्रलोभन भी दिए थे, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल झुका नहीं, दबा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जिताने की मंशा और कलेक्टर का अति उत्साह, ये बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलता है कि जो अधिकारी फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है उसकी मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा बीटी शर्मा का लाभ उठाए, सरकार का लाभ उठाए, मलाईदार जगहों पर पोस्टिंग कराए और चमचागिरी करे और पूंछ हिलाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।